नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों सबसे पहले जो वीडियो स्टॉप हुई थी उनके लिए सबसे पहले तो आप लोगों से माफी, क्योंकि देखिए आप लोग भी उम्मीद रखते हैं कि रोज मेरे चैनल पे एक वीडियो आए और मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करना था, एक सरप्राइज क्रिएट करना था जिसकी वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। दोस्तों मन तो मेरा भी यही चाहता है कि मैं जंगल से रोज एक वीडियो बना के डालूं ही डालूं और आप लोग भी जंगल देखें और मैं भी जंगल घूमूं। आपके सहारे से, आपके प्यार से चैनल दोस्तों यहां तक आया है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया जरूर कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बहुत साथ रहा है। आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो की, आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी होगी कि कुछ दिन वीडियोज आने के बाद ना वीडियो की या तो जगह बदल जाती है या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। हालांकि जगह तो अभी भी बदलेंगी, एक से एक क्रिएटेड जो कहते हैं ना कि एक जो बिल्कुल क्रिएशन फ्रेंडली जो जगह होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल कहते हैं ना क्रिएटेड जो नेचर होता है वो खुद ही अपना क्रिएटेड कंटेंट देता है, वाइल्ड लाइफ खुद से ही अपना क्रिएटेड कंटेंट देता है। हमारे कोई लाइक यू नो थीम नहीं होता, हम बस जंगल में जाते हैं वीडियो बन जाती है। ऐसी लोकेशंस तो हम बहुत सारी देखेंगे ही, लेकिन फिर भी आपने एक बात देखी होगी कि मेरी प्रीवियस वीडियो जैसे तया विलेज से थी, हम ऐसे ऐसे गाँवों में जाते हैं जैसे तया विलेज है वो टाइगर अटैक के बाद खाली हो गया है। उन गाँव में हम गए, एक रात हम रुके तो बरसात की वजह से, हालांकि हमने उस गाँव को जल्दी खाली कर दिया, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे जो गाँव होते हैं ऐसी जगह मेरे चैनल पर आप देखते रहते हैं, आप देखते हैं कि मैं एक हफ्ता कहीं रुका उस गांव में, मैंने सीरीज बनाई। दोस्तों इसका ना एक वो है कि एक ना इसके पीछे एक कहते हैं ना कि एक रीजन है कि हम एक हफ्ते से ज्यादा, 10 दिन से ज्यादा किसी गांव में किसी और के घर तो रुक नहीं सकते। दोस्तों 10 दिन से ज्यादा, हफ्ते से ज्यादा तो हम अपने घर में रुक सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो सरप्राइज एलिमेंट मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा था ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उसका इससे बहुत बड़ा लेना देना है। क्योंकि अगर हमारी जगह, हमारा खुद का प्लेस, हमारा खुद का घर अगर हम जंगल में बना लें जहाँ पे हमें कहीं जाना ही ना पड़े, वाइल्ड लाइफ खुद हमारे घर तक आ जाए, ऐसी भी लोकेशंस हैं यहाँ और जहाँ पे रेजिडेंशियल भी रहा जा सकता है और थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन भी की तरफ भी थोड़ा सा शायद देखा जा सके। तो लैंड्स आज की डेट में दोस्तों अवेलेबल हैं, आने वाले फ्यूचर में अवेलेबल होंगी नहीं होंगी डोंट यू नो वी कांट, जैसे कहते हैं ना कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वी कांट प्रिडिक्ट। तो लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट किया है ना, जो सरप्राइज एलिमेंट मैंने आपके लिए जनरेट किया है, आप उसे देख के खुश हो जाएंगे। बहुत से भाई बंधु हमारे ऐसे होते हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं घूमने, जंगल आते हैं घूमने, मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा एक जिसे कहते हैं ना कि मैं एक परमानेंट प्लेस नहीं है मेरी जहाँ पे मैं आप मेरे से आए और मेरे से मिल लें। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आज मैं इस वीडियो के लेके आप लोगों के साथ हूँ। जंगल की लोकेशन पे मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ, इस जगह के बारे में भी बताता हूँ, बहुत सारी बातें आज आपसे करता हूँ। बहुत दिनों बाद मेरा वापस आपसे मिलना हुआ दोस्तों, एक बार जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला कि सॉरी, और दोबारा से बोलता हूँ आपकी, क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं और इंस्टा पे भी आते हैं, नीचे दी हुई इंस्टा आईडी से आप मेरे मैसेज डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैसेज आते हैं और मुझसे पूछते हैं हमारे भाई बंधु बहनें अपनी, और बहुत सारे लोग हमारे बड़े बुजुर्ग भी पूछते हैं कि जो व्यूअर हैं कि भाई नीतीश कहाँ चले गए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस बार पूरा करना ही करना है, चाहे हमें 2 दिन फालतू लगे, 2 दिन ज़्यादा लग जाएं, लेकिन हमें इस बार जो कि वीडियोज़ बनानी है ना दोस्तों वो बिल्कुल उस लेवल की बनानी है जैसे हमारे चैनल की, जैसे कि मेरे चैनल की सिंपली थीम है कि आप लोगों को मैं वो जगह दिखाऊं, वो चीज़ दिखाऊं, जंगल का वो रूप दिखाऊं जो आपने शायद पहले ना देखा हो। कोशिश मेरी भी यही रही कि मैं भी नया से नया जंगल में चीज़ें सीखूं और जैसे कहते हैं एक्सप्लोर करूं नई नई जगहों को। तो दोस्तों बहुत ही रोमांचक ये वीडियो आज की होने वाली है। और जो लोग लैंड डील्स देख रहे हैं, लैंड डील्स इन द सेंस लाइक यू नो जो लैंड खरीदना चाहते हैं, पहाड़ों पर रहना चाहते हैं, टाइगर टेरिटरीज में रहना चाहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। दोस्तों मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं कोई एजेंट हूँ तो लैंड की वीडियो बना रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, अपने लिए। मुझे कुछ चीज़ें, कुछ जगह मैंने ना देखी है, नोट डाउन करी है कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का बहुत अच्छा हाथ रहता है, तो वही जगह मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और उनमें से जो सबसे बढ़िया जगह है ना, आज मैं सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ जो मैं, मुझे लगता है कि ये डील फाइनलाइज होनी चाहिए और ये जगह अगर मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए और मेरे लिए, सभी के लिए, हम सब के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा इस जगह की आपको लोकेशन कि मैं इस टाइम कहाँ खड़ा हुआ हूँ। थोड़ी थोड़ी शाम हुई है और मैं खड़ा हुआ इस टाइम जलगांव स्कूल पे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बिल्कुल जंगल के बीच में स्कूल है और साल का जंगल है दोस्तों, साल का जंगल जो टाइगर का अड्डा माना जाता है। इसीलिए जो ये स्कूल है ना, शाम के बाद यहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता। जो बाइकर वगैरह जो होते हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि मतलब शाम से पहले पहले यहाँ से निकल जाओ,
नहीं तो गांव में कहावत तो यहाँ तक है कि इनके हाथ कांपते हैं। जितनी मेरी गांव वाले से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो यहाँ से यहाँ पे शाम के बाद निकलते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं। ये इस तरह की जगह है, ये चारों तरफ आप जंगल देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इससे आगे की लोकेशन दिखाता हूँ कि जहाँ हम चल रहे हैं ना वो कैसा एरिया है। देखिए जंगल से तो लगा हुआ है ही स्कूल, लेकिन स्कूल की कोई फेंसिंग नहीं है, ये भी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। दिन में भी यहाँ लोग बाग दिखना अनकॉमन सा ही रहता है। ये इधर से एक नई रोड बनी है जो कि गांव में जाती है, जलगांव में, लेकिन हम अभी इस टाइम जाएंगे ऊपर वाली रोड से, क्योंकि जहां हमें जाना है ना वो है उन दोनों के मतलब बीच में, कह सकते हैं कि इस रोड से भी जाया जा सकता है, ऊपर वाली रोड से भी जाया जा सकता है, दोनों ही रोड से जाया जा सकता है। नीचे वाली रोड तो मैंने आपको दिखाई थी, अब चलिए मैं आपको ऊपर वाली रोड से, इस मेन रोड से उस जगह पे लेके चलता हूं। जंगल पूरा खूबसूरत है दोस्तों, दिन में जितना खूबसूरत रात में उतना ही खौफनाक। वो चीज भी अभी आने में, मैं आते वक्त यहां से आपको दिखाऊंगा, जैसे कि शाम का टाइम है तो जब हम यहां से वापस आएंगे ना थोड़ी थोड़ी शाम और या रात तक हो जाएगी। दोस्तों जैसा मैं बोल रहा था कि ऊपर की साइड से चलेंगे, तो गाड़ी देखिए मैंने यहाँ रोड पे लगा दी है। जो जगह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना वो ऊपर से और नीचे से, उसका रास्ता दोनों साइड से है। गाड़ी वहाँ लगाई है हमने, गाड़ी हम इधर भी लगा सकते थे। ये देखिए इधर, ये सामने की तरफ, यहाँ भी गाड़ी लगाई जा सकती थी। दोस्तों पहाड़ों पे अगर आप रह रहे हैं ना तो सबसे मेजर चीज़ है कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चलना तो ना हो। टाइगर के इलाके में बहुत ज़्यादा चलने में तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती उस बात की, तो लेकिन कम तो हमें चलना चाहिए, मतलब पहाड़ों पर हमें चलना फिरना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहाड़ों पर चलेंगे फिरेंगे तो हमारी बॉडी भी एकदम फिट रहती है। तो और ये तो जैसे कि गाड़ी अगर मान लो सपोज यहाँ खड़ी कर दी जाए, जैसे कि मैं आपको दोस्तों लोकेशंस से वाकिफ करा रहा हूँ कि किन लोकेशंस पे जो मुझे बहुत मतलब एक्जोटिक लगी वो लोकेशंस, और वाइल्ड लाइफ के मामले में भी बहुत ज़्यादा अप है। तो जैसे गाड़ी आप सपोज हमने यहाँ खड़ी कर दी, और गाड़ी यहाँ खड़ी करने के बाद थोड़ा सा बस हमें चलना है नीचे और हम नीचे पहुँच जाएंगे, मतलब जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ से व्यू भी देख, अभी व्यू तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन उस जगह से भी मैं आप लोगों को देखिएगा। अभी व्यू दिखाता हूँ, अभी नीचे की तरफ ही चलते हैं। दोस्तों वैसे तो देखिए टाइगर के इलाके में कम ही पैदल चला जाता है और एक समय सारणी पे ही चला जाता है, मतलब एक टाइम होता ही होता है कि आप ये नहीं कि रात को 12 बजे बाहर चल पड़े और विदाउट एनी कि मतलब अकेला बंदा, अगर 12 बजे भी जाया जा सकता है, अगर छोटा मोटा डिस्टेंस है तो 12 बजे जाया जा सकता है, लेकिन लोग ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, मतलब एक दो नहीं होने चाहिए, 4-5 होने चाहिए। और जितना डिस्टेंस अभी मैं कवर करके आया हूँ ये होगा 30-40 कदम, 50 कदम। यहाँ से आने के बाद देखिए लोकेशन एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि माउंटेन फेसिंग वैसी हो जाती है। अगर हम नीचे की तरफ से आते तो गाड़ी वहां नीचे खड़ी हो जाती, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना पड़ता। अब हम ऊपर की तरफ से आए हैं
तो हम गाड़ी हम थोड़ा ढलान की तरफ आ रहे हैं। ये वाली जो जगह है ना, जैसे ये देखिए मैं पहचान कैसे करता हूँ कि यहाँ पे मंदिर है। अभी ये निर्माण पूरा नहीं है मंदिर का, अगर भगवान ने चाहा आप लोगों का प्यार बना रहा तो हम ही इस मंदिर का निर्माण करवा देंगे, लेकिन अभी निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन ये एक मंदिर है और बिल्कुल जो मंदिर के सामने वाली जगह है, ये वाला जो एरिया है, ये जो लोकेशन है, जितना आपको ये सामने पेड़ दिख रहा है और ये आगे तक, मैं झाड़ी और रखी है, झाड़ी ये कटवाऊंगा तब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। ये एरिया मेरे को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ के मामले में और प्रकृति के मामले में, बहुत ही सुंदर लगा। क्योंकि इधर की तरफ अगर हम देखें, देखिए सामने कूपी गांव दिख रहा है, ये बड़ा कूपी है, नीचे की तरफ रिवर भी है और नीचे की तरफ गांव भी है, जिसे कहते हैं ना कि जड़गांव, जड़गांव नीचे भी है। और वो वाले गांव जो था जहाँ पे अभी टाइगर अटैक हुआ था, एक लेडी को टाइगर ने किल कर दिया था, उनका गांव भी यहाँ नीचे की तरफ ही है, जहाँ से एक टाइग्रेस डेड भी मिली थी। ये सारा इधर की तरफ, ये बिल्कुल साल के जंगल है। इस प्रॉपर्टी के अगर इस जगह के इस बात करें, इस लैंड के, तो इस लैंड के लेफ्ट की तरफ सारा साल का जंगल है दोस्तों। तो टाइगर्स की मूवमेंट, लेपर्ड्स की मूवमेंट यहाँ बनी रहती है। और रात में तो जैसे कि रोड बंद हो जाती है, 10 बजे रोड बंद हो जाती है जंगल की, उसके बाद तो दोस्तों फिर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि साइटिंग के चांस ऑलवेज हाई। अगर हम नीचे वाली रोड से आते, जो मैंने अभी झड़गांव स्कूल के पास से दिखाई, देखिए वो यहाँ से आती, या नीचे जो ये खंबा सा दिख रहा है, या जो भी अगला जो ये प्लेन सरफेस दिख रहा है, थोड़ी ज़्यादा ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, वो गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती। तो दोस्तों पहाड़ों पे अगर रहना है ना, मुझे तो मतलब मेरा परसेप्शन ये कहता है कि देखिए अगर मुझे रहना है तो मुझे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो यहाँ करनी नहीं है ज़्यादा, कि एक लिमिटेड अगर जो परमिशंस वगैरह होती हैं, परमिशंस तो मैं लूँगा, लेकिन ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुकिंग्स वगैरह लेने के लिए इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये मेरे लिए है, ये मेरा पर्सनल घर होने वाला है एक बारी को, तो मैं लैंड उस परसेप्शन से देख रहा हूँ। और अगर जैसे जो हमारे मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो लोग तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, और अगर ऐसी जगह होगी जो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के इतने करीब होगी और जहाँ पे हम ऐसी ऐसी सीनरीज एंजॉय कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी मच गुड थिंग। दोस्तों परमिशंस तो मैं सारी लूंगा, जो परमिशंस होती है ना कि कई कमर्शियल प्रॉपर्टी को रन करने के लिए जो परमिशन होती हैं, वो सारी परमिशन मैं लूंगा, लेकिन ये मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस पे कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करूं। बाकी देखते हैं आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप जैसे कि दोस्तों आप उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे प्यारे भाई बंधुओं के लिए, मैं भाई कह रहा हूँ, बहनों के लिए भी और सभी के लिए भी, कि जो मुझे यहाँ आके मोहान में कई बार ढूंढते हैं, कभी कहीं कोशिश करते हैं मेरे बारे में पता करने की, तो अब वो मेरा एक परमानेंट अड्डा होगा। हालांकि दोस्तों अभी कोई जगह मैंने फाइनलाइज नहीं करी है, बहुत सारी जगह मेरे दिमाग में चल रही हैं, जैसे कि ये सामने कूपी गाँव है, बड़ी कूपी गाँव है, इसका भी ना एक प्रॉब्लम है, अब बड़ी कूपी हो चाहे छोटी कूपी हो, इनमें आज शायद गाड़ी चली जाए लेकिन इन फ्यूचर इन गांवों में गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि जो ऊपर की लैंड है यहाँ पे पीतल फैक्ट्री डेवलप होगी दोस्तों आने वाले टाइम में, छोटा कूपी के ऊपर, तो जो कच्ची पक्की जैसी सड़क देखते हैं ना मेरी वीडियोस में, वो अभी देख पा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएगी रोड, फिर पैदल का रास्ता हो जाएगा। और पैदल का रास्ता अगर इतना है जितना यहाँ है, इतना तो चलता है, इतना तो चल जाएगा, यही कोई मान के चलो 40-50 कदम गाड़ी लगाने के बाद, लेकिन इसके बाद का जो रास्ता है ना, लंबा रास्ता, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये तो देखिए बिल्कुल मेन रास्ता है गांव का, ये रोड, इस रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ये रास्ता है ना, ये ग्राम सभा का रास्ता है, तो ये ग्राम सभा का जो रास्ता है ये दोस्तों भिक्यासेण तक जाता है यहाँ से, और भिक्यासेण यहाँ से 50 किलोमीटर है लगभग, तो लगभग ये जो रास्ता भी है ना, ये जो रास्ता है ये भी 50 किलोमीटर का ही है। और टाइगर का भी बिहेवियर का एक बात यहाँ पॉइंट बनती है, टाइगर और लेपर्ड के, इनके बिहेवियर की, कि जैसे देखिए यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, तो अगर टाइगर, ऑब्वियसली टाइगर तो यहाँ है ही, यहाँ तो टाइगर हर कोने में टाइगर दिखने के चांस है, हर जगह टाइगर दिखने के चांस है, लेपर्ड दिखने के चांस है, रात बहुत खतरनाक हो जाती है दोस्तों। यहाँ जो मैंने गाय दिखाई थी ना, जिसे टाइगर ने बीच गांव के रास्ते में खाया था, वो इधर की तरफ थी। ये देखिए गांव की बिल्डिंग्स भी कुछ दिख रही है नीचे, नीचे गांव है, आसपास लोग रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनसान एरिया है। सामने एक माता जी घास भी काट रही है, वो दिख नहीं पा रही कैम में, लेकिन दिख रही है वो सामने, उनका घर भी है सामने। तो यहाँ पे टाइगर ने गाय भी खाई थी, तो टाइगर का एक पैटर्न है कि उस वो गांव के रास्ते पे ही उसने मारी और गांव के रास्ते पे ही बैठ के खाई,
क्योंकि जब मैंने वो गाय दिखाई थी तो आधी खा चुका था, वो आधी नहीं तो लाइक 20-30% खा ली थी। तो टाइगर का भी ये पैटर्न है दोस्तों कि कभी भी वो अगर मान लो जैसे उसे यहाँ से यहाँ मूव करना है या नीचे गांव में मूव करना है किसी मतलब जो कैटल्स वगैरह होती है उनके लिए आना है या जो पशु वगैरह रहते हैं गांव के पास, हिरन आ जाते हैं रात को गांव के पास सेफ्टी समझ के, उनके पीछे पीछे वो यहां से नहीं आता झाड़ियों से, ये जो झाड़ियां है ना रात को नहीं आता वो झाड़ियों से, उसे भी पता है कि उसकी स्किन पे झाड़ियां लगेंगी, कांटा लग सकता है, पैरों में चोट लग सकती है, जैसे हम नहीं जा रहे ना झाड़ियों में अभी, वो भी नहीं आता झाड़ियों में, वो भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा दोस्तों, टाइगर भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि टाइगर भी खुद चाहता है कि मैं साफ साफ में चलूं तो ये बिल्कुल साफ रहेगा। और अगर अगर हम यहाँ रहने का इंतजाम कर लें इसमें सामने, इसकी फेंसिंग कराएं 10-10 फीट की और लाइक प्रॉपर तरीके से इसकी फेंसिंग वगैरह कराई जाए, अच्छे से एंगल बना के बढ़िया से रहा जाए, तो इसमें रहने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ से ही मतलब दरवाजा वगैरह लगाया जा सकता है और ये सारी लैंड यू नो प्लेन कराई जा सकती है, इसके लेवल पे लाई जा सकती है, लेकिन जैसे इसकी हाइट ऊपर है तो मैं कहूँगा हाइट ऊपर ही रहे, ज़्यादा ये नीचे ना आए, अभी झाड़ी कटेंगी ना तो इसकी हाइट मतलब लेवल पे आ जाएगी, दिखेगी। आने वाली वीडियोस में दोस्तों अगर हम इस लैंड को फाइनलाइज करते हैं तो वो भी आप देखेंगे, लेकिन ये हो सब आपके लिए ही रहा है, जो भी अपने चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, ये हो रहा है दोस्तों आपके लिए ही है, आप ही के लिए मैं एफर्ट्स ये डाल रहा हूँ आप पे, मतलब कह सकते हैं ना कि एक तरह से कि मेरी प्रॉपर्टी तो रहेगी लेकिन आप लोगों का भी पूरा वेलकम रहेगा कि आप कभी भी आ सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट करिए और फिर वो वाला पंगा ही खत्म हो जाएगा कि जैसे कई बार हमारी बातें नहीं हो पाती, कई बार कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक परमानेंट जगह रहेगी और यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज अरेंज करेंगे दोस्तों, धीरे 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 सारे काम होंगे, लेकिन ये भी मतलब ये लैंड एक स्ट्रॉन्ग मतलब ऑप्शन बनाया मैंने, सारे जंगलों में घूम रहा हूँ मैं, जंगलों में घूमने के बाद ये लैंड मुझे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लगा है। बाकी आप देख सकते हैं इसका 360 व्यू कि हम इधर की तरफ से आए थे, ऊपर की तरफ से, यहां से हम आए थे, यहीं गाड़ी खड़ी है ऊपर, ये ऊपर रोड है, काफी अच्छा है, मतलब काफी सुंदर एरिया है, स्वच्छ सुंदर। दोस्तों जब हम बात करते हैं पहाड़ों पे लैंड की तो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि या तो जैसे लैंड है वो किसी ऐसे रिवर के पास हो या फिर वो किसी जिसे कहते हैं ना कि ऐसे स्रोत के पास हो, जल स्रोत के पास हो जहाँ पे 12 महीने जल आता हो, तो लेकिन ऐसी जो लैंड्स होती हैं अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए ये बहुत कम होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या चल रहा है कि जो लैंड पहले से खरीदी हुई है ना उनकी रीसेल हो रही है, और जब कोई किसी चीज़ की रीसेल करता है तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ लैंड अभी तक कभी सेल नहीं हुई, फर्स्ट टाइम सेल हो रही है, जैसे कि लैंड अभी आप लोगों को मैंने दिखाई, ये फर्स्ट टाइम सेल हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम सेल हो रही है, तो इसकी कॉस्ट में और जो रीसेल हो रही है उसकी कॉस्ट में बहुत बहुत डिफरेंस है, माइट बी मोर देन डबल। तो यहाँ पे पानी दो तरह से उपलब्ध होता है, हालांकि आप नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा सामने की तरफ है सनसेट। तो यहाँ पे दोस्तों पानी जो है ना दो तरह से उपलब्ध होता है, एक तो होता है हर घर जल योजना जो मोदी जी ने लॉन्च करी थी, उसका जल उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, इतना जल मिलता है आपको, और जैसे कि हमारा तो रेजिडेंशियल रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली अगर कमर्शियल की तरफ जाएंगे तो पानी का खुद ही अरेंज करना पड़ता है, यहाँ पे नीचे रिवर है वहाँ से पानी होता है। एक वो जल होता है हर घर जल योजना का, एक होता है ग्राम सभा का जल, तो ग्राम सभा का जल भी यहाँ मिल सकता है, उसमें फिर कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड पानी भी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कि पहाड़ों पे है, रिमोट लोकेशन है, टाइगर टेरिटरी है, जंगलों के पास है, तो ये कोई बिल्कुल फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड भी एकदम मतलब टच ही है, वो कह सकते हैं कि ये सामने जो जैसे ये जो जंगल दिख रहा है ना साल का, ये बेसिकली झड़गांव स्कूल का सामने वाला पार्ट दिख रहा है हमें यहाँ खड़े होके, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट लैंड भी बिल्कुल टच है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ना ये विद इन द लिमिट्स ऑफ झड़गांव विलेज है, यहाँ तक हदें लगती हैं झड़गांव विलेज की, तो जंगल से बिल्कुल सटा हुआ एरिया झड़गांव गांव का। बाकी दोस्तों लैंड अवेलेबिलिटी का तो यहाँ ये है कि इतना भी कोई खास ये नहीं कि बहुत सारी लैंड अवेलेबल है, मतलब कम ही है लैंड अवेलेबल, जैसे बताया ना कि रीसेल हो रही है रीसेल, और अगर लैंड रीसेल होती है ना तो दोस्तों उसकी वैल्यू डबल से ऊपर जाती है। फिर अगर मान लीजिए किसी लैंड की कॉस्ट 10 लाख है और वो रीसेल हो रही है तो वो 25 लाख 20 लाख तक जाएगी, ये होता है फैक्टर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, अब आप जैसे कि इस चैनल से जुड़े हैं, नए नए लोग जो जुड़ेंगे, नए जो सब्सक्राइबर हमारे जुड़ेंगे,
जो लैंड डील्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, आई कैन हेल्प। आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं हेल्प कर ही दूंगा आपकी। मेरा नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का तो है ही, लेकिन देखिए दोस्तों नेचर भी कितना खूबसूरत है। मतलब ये कहते हैं ना, नेचर्स ब्यूटी एट इट्स बेस्ट, वो वाला है यहाँ पे। लेकिन ना सुंदरता है नेचर में, और जंगली जानवर भी फुल हैं यहाँ। इस टाइम तो यहाँ जैसे हम खड़े हैं, इट्स ओके, लेकिन रात बिरात में अगर ये लैंड बनती भी है, जैसे मैं इसे ले लूँ और डेवलप करूँ, उसके बाद भी मतलब एक टाइम है यहाँ। रास्ते का यूज़ तो देखिए छोटा सा ही रास्ता है, यहाँ से लेके बस गाड़ी लेके इतना है, क्योंकि नाइट ड्राइव वगैरह हम करेंगे तो थोड़ा, तो हम कभी भी अकेले तो रहते नहीं, तो तीन चार लोग रहेंगे, पाँच लोग रहेंगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चल सकते हैं हम। और सारा एरिया ऐसा है कि लाइटिंग वगैरह करेंगे ना, लाइटिंग वगैरह हो जाएगी यहाँ, तो यहाँ तक तो लाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अभी जैसे लाइटिंग वगैरह नहीं है और वो नहीं है, मतलब हम अगर अकेले दुकेले हों, तो ये एरिया इस तरह खड़े होने का नहीं है। देखो सामने घास भी काटते हुए आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब बता रहा था नीचे गांव वाले हैं, देखिए एक गांव की महिला घास काट रही हैं। एरिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है, स्वच्छ है, और कोर टाइगर टेरिटरी तो है ही। यहीं नीचे गाय मार रखी थी जैसे मैंने अभी बताया। दोस्तों जिस जगह में अभी आप लोगों को लेके गया था, वो तो मैं इस मेन रोड से लेके गया था, ऊपर वाले रास्ते से लेके गया था। ये वाला जो रास्ता है ना, ये भी उसी जगह जाता है जहाँ से मैं बता रहा था नीचे की तरफ गाड़ी पहुँच जाएगी, वो इस रास्ते से जाती है। ये रास्ता भी अगर आप चाहें ना, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, जिसमें मैंने जलगांव विलेज मरचुला करके जो वीडियो बनाई है ना, ये उसमें ना मैं इस रास्ते से गया था। ये भी बिल्कुल साल के जंगलों के बीच से एकदम रास्ता जाता है। तो अगर हम उस जगह की बात करें ना, जिस जगह अभी हम खड़े हुए थे, तो वो जगह जो है वो बिल्कुल जलगांव स्कूल के सामने की तरफ है, और ये पूरा एरिया कोर टाइगर टेरिटरी है दोस्तों, कोर टाइगर टेरिटरी। मौसम भी यहाँ अभी से ही ठंडा हो रहा है, मतलब फुल ठंडा क्या मौसम में। दोस्तों जिस एरिया में अभी हम थे उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं अभी और ऐड ऑन कर देता हूँ, कि जहाँ आप अपने रहने का होने वाला है परमानेंट तरीके से। परमानेंट तरीके से ये मतलब नहीं है कि बस वो फिर सारा कंटेंट वहीं से ही आएगा, ऐसा नहीं है। जंगल की दूसरी जगहों पे जो एक्सप्लोरेशन हमारी है, जो हमारी थीम है, वो रेगुलर रन में रहेगी। बस ये है कि हाँ एक परमानेंट जगह हो जाएगी कि हाँ भाई यहाँ अपना बेस है, जगह ना फॉरेस्ट बेस, तो वो फॉरेस्ट बेस बन जाएगा अपना। तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों फॉरेस्ट बेस की, तो ये जो मरचुला वाला एरिया है ना, ये ढिकाला की बैक साइड पे पड़ता है। जब आप मैप देखेंगे ना, मैप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो उसमें आपको दिखेगा कि ढिकाला और मरचुला बहुत क्लोज है एक दूसरे से, जंगल के रास्ते से। और जंगली जानवर तो टाइगर हुए, लेपर्ड हुए, या दूसरे जंगली जानवर हुए, तो जंगल से ही आते, रोड से नहीं आते। तो जिसकी वजह से ये इटसेल्फ एक ऐसी बात है जो इस एरिया को काफी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये मरचुला वाला जो एरिया है ना, ये काफी खतरनाक रहता है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि मरचुला में रात को 8 बजे एक टाइगर मार्केट में घूम रहा था। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो यहां से देखने को मिल जाती हैं। और दूसरा, नाइट ड्राइव के परसेप्शन में अगर हम बात करें, बहुत देख के चलना है दोस्तों, क्योंकि जानवर दिख जाते हैं यहां, टाइगर वगैरह की काफी स्ट्रांग मौजूदगी है यहां। तो जैसे कि हम टाइगर की अगर परस्पेक्टिव में बात करें, तो वो भी मरचुला में, ये झड़गांव वाला एरिया हुआ, मरचुला हुआ, कूपी गांव हुआ। मैं तो दोस्तों जैसे कि जंगलों में ही घूमता हूँ, जंगलों में ही रहता हूँ, तो ये एरिया मुझे काफी ज्यादा लगता है लुक्रेटिव टाइप, कि हाँ यहाँ तो हर टाइम कुछ ना कुछ मतलब बंद चलता ही रहता है, कि एनिमल साइटिंग कभी भी कहीं भी, ऐसा वाला। इसलिए मैंने इस लोकेशन का चुनाव किया है। दूसरा, मैं ये भी नहीं चाहता था कि ऐसी कोई लोकेशन, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ गाड़ियाँ कम चलेंगी ना, वहाँ वाइल्ड लाइफ ज़्यादा रहेगी,
जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी वहाँ वाइल्डलाइफ कम दिखेगी, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है यहाँ पे कि गाड़ियाँ बहुत कम है ना के बराबर ट्रैफिक है शाम के बाद। तो दूसरा दोस्तों, जब हम बात करते हैं लैंड की, तो लैंड पहाड़ों पे तो हर जगह सुंदर है, हर जगह खूबसूरत है, लेकिन कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जैसे कि सुंदरखाल गांव हुआ, मोहन हुआ, जहां पे जंगली हाथियों के भी, अगर हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तो जंगली हाथियों की भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहती है, उनकी भी जिसे कहते हैं ना उनका पूरा कॉरिडोर बना हुआ है वहां, एलिफेंट कॉरिडोर। तो मैं हमेशा से मतलब एक कहते हैं ना एक अनकंफर्टेबल फील करता हूं ऐसी जगह में नाइट ड्राइव करना जहां हाथियों का दबदबा हो, क्योंकि टाइगर से आप गाड़ी में एक बारी को सेफ हो, मतलब सेफ हो जाओगे, लेकिन हाथी से सेफ नहीं हो सकते। तो इसलिए भी मैंने इस जगह का चुनाव किया कि थोड़ा हाइट पे है तो मौसम तो ठंडा रहता ही है, दूसरे उसके साथ साथ टाइगर की स्ट्रॉन्ग मौजूदगी के तो है लेकिन हाथी की मूवमेंट नहीं है। हाथी बहुत ना के बराबर कभी दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज बिल्कुल आते नहीं उधर, खड़ी खड़ी चढ़ाई होती है ना तो हाथी इन्हें इग्नोर करते हैं थोड़ा सा। लेकिन जैसे ये वाले एरियाज है ना, मोहान हुआ और ये सब, जैसे जो निचले जो थोड़े मतलब यू नो प्लेन्स की तरह आते हैं, प्लेन्स है तो वो भी पहाड़ी, लेकिन वहां पे प्लेन्स हैं, पहाड़ों के प्लेन्स हैं वो, तो उस जगह हाथी की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है। और अगर हम फॉरेस्ट में रहते हैं और मान लो अपनी प्रॉपर्टी में डेवलप कर रहा हूं और वहां पे अगर हाथी आ जाए और तोड़ फोड़ कर दें तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो प्रॉपर्टी को। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो चौकी होती है, जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल से भी हमारी काफी बातचीत होती रहती है, तो जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की जो चौकी होती है ना अंदर, उसमें भी काफी तोड़फोड़ करते हैं हाथी। तो लैंड के मामले में ये भी एक बात देखने वाली है कि हाथी की मूवमेंट ना हो उस जगह। बाकी दोस्तों, लैंड के साथ साथ नाइट ड्राइव का भी पूरा थ्रिल चल रहा है, जंगलों में ही से ही गुजर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को देखने आज अच्छी लगी होगी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से कम्युनिकेशन हुई, आप सबसे कम्युनिकेशन हुई, अपने चाहने वालों से कम्युनिकेशन हुई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड डोंट वरी, नाउ वीडियो विल बी कमिंग ईच एंड एवरी डे, आई विल लुक टू एटलीस्ट क्रिएट अ सिंगल वीडियो इन अ डे फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ फॉरेस्ट नेचर, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन। तो जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गाड़ी की दोस्तों हाई बीम बंद हो रखी है इस टाइम, नॉर्मल जो गाड़ी की लाइट्स आती हैं वही चल रही हैं, दो लाइट और दो फॉग लैंप। जो हाई बीम लाइट मैंने एडिशनल लगा रखी है ना फॉरेस्ट से, उसकी शायद वायरिंग थोड़ी हिल गई है, क्योंकि पानी में से गाड़ी निकली है, ये पहाड़ी नालों में से निकलती है ना गाड़ी तो गड्ढे वगैरह भी होते हैं, तो लाइट बंद हो गई थी उसकी ना, उसको भी कर लेंगे, ठीक करा लेंगे उसे, क्योंकि फॉरेस्ट में लाइट थोड़ा तेज ही चाहिए। चलिए दोस्तों, जो भी होता है अब नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, हर हर महादेव।